पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैच की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत ठीक नहीं रही, ओपनर जाने मन मला और क्विंटन डिकॉक सस्ते में ही निपट गए, जबकि माक्रम 4 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हुए, लेकिन कप्तान टेम्बा बावुमा और रसी विंदर दुसे ने फूटा गाड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 204 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी हुई। बावुमा ने 143 गेंद का सामना करते हुए 110 रन बनाए, जिसमें 8 चौके भी शामिल हैं, जबकि रसी विंदर दुसे ने महज 96 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 129 रनों की बेहतरीन पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 296 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे, 10 ओवर में 48 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। 297 रन के जवाब में भारतीय टीम 265 रन ही बना सकी। शिखर धवन ने 79 और विराट कोहली ने 51 रन की पारियां खेली, जबकि निचले क्रम में शार्दुल ठाकुर ने शानदार 50 लगाया, लेकिन भारतीय टीम के लिए वो नाकाफी रहा। बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान ट्विटर पर फैंस ने काफ़ी सारे ट्वीट्स किए और मैच की परिस्थिति के अनुसार ढेर सारे ट्वीट्स पर बहुत सारे खिलाड़ियों का जिक्र हुआ। इस स्टोरी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन 4 हैशटैग के बारे में जो मैच के दौरान जमकर ट्रेंड हुए। पहला हैशटैग #KL राहुल। केएल राहुल ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर है। केएल राहुल पहली बार वनडे में भारत की कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को हार मिली। इससे पहले केएल राहुल ने जोहान्सबर्ग टेस्ट में भी भारतीय टीम की कप्तानी कर दी और वहां भी भारतीय टीम को हार मिली। ऐसे में केएल राहुल की कप्तानी की आलोचना करते हुए यूजर्स ने बहुत सारे ट्वीट्स किए। एक यूज़र ने लिखा, केएल राहुल कुछ भी बन सकते हैं लेकिन वो कप्तान मटेरियल नहीं है, ये निजी विचार है। आईपीएल और टेस्ट से लेकर वनडे तक राहुल कप्तानी में फ्लॉप रहे। राहुल की जगह बुमराह या अश्विन को आजमाया जा सकता था। मुकाबले के दौरान कैप्टनसी खूब ट्रेंड में रहा। लंबे समय के बाद विराट कोहली बतौर खिलाड़ी खेलने उतरे और विराट फैंस के लिए ये तकलीफ देह मोमेंट था। कोहली अब किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान नहीं है। हाल में उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी है और इस पर एक कोहली फैन ने कोहली आलोचकों पर तंज कसते हुए एक आंकड़ा शेयर किया। यह आंकड़ा विराट का बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी भी था। फैन ने कैप्शन में लिखा, लेकिन ब्रो विराट कोहली को कप्तानी का प्रेशर था और वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि कोहली ने 95 वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी की। 72.65 की एवरेज से उन्होंने 5,449 रन भी बनाए और बतौर खिलाड़ी 160 मैच में 51.63 की एवरेज से 6,763 रन बनाए। टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत भी ट्रेंडिंग में रहे और वो सुबह से ही ट्रेंड में थे। दरअसल 19 जनवरी को ही पंत की शानदार बैटिंग की वजह से गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा था। मुकाबला शुरू होने से पहले इंडियन फैंस पंत को उस यादगार पारी के लिए खूब याद कर रहे थे, खूब बधाइयां दे रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में फ्लॉप होते ही फैंस ने उन्हें लताड़ लगाने शुरू कर दी। एक यूज़र ने लिखा, टीम इंडिया इस समय पत्थर युग में है जहां ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश की जा रही है। वाइड बॉल क्रिकेट में पंत को अपनी गलती का एहसास करने का ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा किसी भी घरेलू और आईपीएल प्लेयर्स को किसी भी जगह खिला रहे हैं, जैसे वेंकटेश अय्यर को 6ठे और अश्विन को 7वें नंबर पर। अगला हैशटैग हार्दिक पांड्या। भारत और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान हार्दिक पांड्या भी ट्रेंड करने लगे। दरअसल वेंकटेश अय्यर को वनडे डेब्यू करने का मौका मिला है। अय्यर ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे, साथ ही पिछले कुछ समय से शार्दुल ठाकुर को प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की मांग हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खिलाड़ी मुकाबले में फ्लॉप रहे। ठाकुर ने 10 ओवर में 72 रन खर्च कर डाले, एक भी विकेट नहीं आया और अय्यर 2 रन बनाकर आउट हुए। इस पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, आप डिबेट कर सकते हैं लेकिन शार्दुल ठाकुर की तुलना में हार्दिक पांड्या बेहतर तेज गेंदबाज है। हार्दिक शुद्ध ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए विराट ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी किया था, जबकि बाकी ऑलराउंडर्स को टीम में जगह पक्की करने के लिए अपने स्किल्स पर निर्भर होना पड़ता है। तो ये हुई ट्विटर पर ट्रेंड्स की बात, लेकिन आपको बता दें पहले वनडे में हार के बाद टीम इंडिया पर अब सीरीज हार का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 3 ही मैचों की है और भारत को सीरीज जीतने के लिए बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे। दूसरा वनडे 21 जनवरी को बोलैंड पार्क में खेला जाए। इस स्टोरी के लिए रिसर्च किया है हमारे साथी अविनाश ने।
साथ ही अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक खास चीज़, विंजो ऐप पर जाकर आप 100 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं 12 अलग अलग भाषाओं में। साथ ही वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीमें हैं, आप उसमें भी उनकी टीमों के साथ बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप ललन टॉप यूज़र हैं तो आपके लिए तो खास ऑफर है, साइन अप करते ही आपको 50 रुपये भी मिल जाएंगे। कैमरे के पीछे है जेरी, मैं हूं विपिन, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।